ये वीडियो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया का है। वीडियो में एक आदमी एक स्टोर से अपने बैग में सारा सामान भर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, पर ये क्या, साइकिल पर बैठकर वो आदमी बिना पैसे दिए बड़े आराम से निकल गया। ये तो सरासर दिन दहाड़े चोरी है, क्या इसे पुलिस का भी डर नहीं है? जी हाँ, पुलिस भी इस चोर का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और इसका श्रेय जाता है कैलिफोर्निया यूएस में हाल ही में पास हुए एक स्टूपिड लॉ को। दरअसल प्रोपोजिशन 47 नाम के इस कानून के अंतर्गत $950 के भीतर की गई चोरी चोरी नहीं है। और तो और पुलिस को भी अधिकार नहीं है उन लोगों को रोकने या पकड़ने का। अरे ये कैसा कानून है, क्या वहाँ कानून बनाने वालों का दिमाग फिर गया है? चोरी तो आखिरी चोरी है, फिर चाहे वो $1 की हो या 1000 की। बहरहाल यूएस सरकार का कहना है कि ये कानून सड़क पर गरीब और होमलेस क्राइसिस को मिटाने के लिए किया गया है, पर असलियत में लोग इस कानून का गलत फायदा उठाकर दिन दहाड़े चोरियां कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें पुलिस का भी कोई डर नहीं है। आराम से किसी भी दुकान पर जाओ और बैग भर के सामान लेके आ जाओ, वो भी बिना पैसे दिए। ये चोरी नहीं तो और क्या है? क्या बेकार कानून है। इस कानून का इतना बुरा असर हुआ कि रोज सैकड़ों दुकानें इसी तरह लूटी जा रही हैं, और मजबूरन कई दुकानें तो परमानेंट बंद भी हो गई हैं। अगर यही हाल रहा तो देश की अर्थव्यवस्था तो चरमरा जाएगी। भगवान जाने कब सरकार की आंखें खुलेगी और ये बेकार कानून वापस लेगी। फ्रेंड्स, आपका इस कानून के बारे में क्या विचार है, प्लीज हमें कमेंट्स करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।